नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मार्च के बाद अप्रैल माह का और वेतन स्थगित कर रहे हैं गवर्नमेंट और शिक्षक संघ लगातार आवाज़ उठा रही है। इसमें कहीं शिक्षकों के EMI जो खर्चे हैं, घर खर्च चलना मुश्किल हो गया। इसमें सबसे अधिक जो प्रोबेशन कर्मचारी है, जिनको पिछली बार भी 8 से 10 हज़ार के करीब ही पैसे रुपये मिले थे, अब उनसे वो घर का किराया चुकाए या अपने घर खर्च चलाए, तो दोस्तों उनके लिए भारी समस्या आ गई है। और इस कोरोना की समस्या में वो एक योद्धा बनकर शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं, उन शिक्षकों का हौसला अफजाई करने के बजाय सरकार जैसे ही महीना पूरा होता है तो तुगलक की फरमान जारी कर देती है और बिना शिक्षक संघ और शिक्षकों की राय लिए, बिना कर्मचारियों की तनख्वाह काट लेती है। वो भी 2-5 दिन की तनख्वाह सरकार को देने के लिए कर्मचारी तैयार हैं, लेकिन पिछले माह ही 16 दिन की तनख्वाह काट ली गई थी और 5 और 3 दिन की सरकार की सहायता के नाम पर ले लिए गए थे। जब एक कर्मचारी को 10 दिन और 12 दिन की जब सैलरी से घर खर्च कैसे चलेगा, इस पर आज वीडियो में चर्चा करेंगे। वेतन के साथ DA के एरिया को भी स्थगित कर सकती है सरकार। जुलाई तक वेतन का 30 से 50% हिस्सा स्थगन करने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार जो भी जितने भी राजनेता है उनके जो भी खर्चे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है, और इधर देखो आप वेतन के साथ DA के एरिया को भी स्थगित कर सकती है। DA का एरिया भी स्थगित करेगी, वेतन काट ही रही है। वेतन, पेंशन और सब्सिडी के लिए चाहिए 8,000 करोड़। ये देख सकते हो आप कि सभी विभागों के वेतन आहरण से जुड़े कर्मचारी को 29 अप्रैल को ऑफिस बुलाया गया है ताकि सैलरी बिल तैयार किया जा सके। 29 अप्रैल को दोस्तों, ऐसे 25 तारीख को बन जाता है। हालांकि दिनों में वेतन बिल महीने की 25 तारीख के आसपास बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रेजरी को फिलहाल रोका हुआ है क्योंकि सरकार वेतन कटौती को लेकर नए दिशा निर्देश जल्द से जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रस्ताव में भी जुलाई तक 30 से 50% वेतन स्थगित करने की बात कही गई है। हालांकि अब तक ये प्रस्ताव ही है। दोस्तों, पिछली बार भी ऐसी बात हुई थी और सरकार ने 16 दिन का वेतन काट लिया और 5 दिन का वेतन सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के लिए, अब 21 दिन का वेतन जब सरकार ने काट लिया और 10 दिन का वेतन उन्होंने दिया, पिछली बार 31 का महीना था, और इस बार ही सरकार ये खबर और दे सकते हो जो अखबार में लगातार मीडिया उठा रहा है कि कोरोना योद्धा बनकर सरकारी शिक्षक मेहनत करें सुबह से शाम तक, अगले माह भी पूरा वेतन नहीं मिलेगा, पूरी तनख्वाह के लिए करना पड़ सकता है इंतज़ार। कोरोना संकट चलते लागू लॉकडाउन अवधि में पेंट और डीजल पर वेट की दरें। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो खबर मिली है, शिक्षक संघ व शिक्षकों में भारी रोष है कि कम से कम शिक्षकों को राय लेकर या शिक्षक संघों की राय लेकर 1, 2 और 5 दिन की अगर सैलरी काटे तो कोई ज़्यादा शिक्षक संघ शिक्षक खुद चाहते हैं, लेकिन 20-20 दिन की सैलरी काट लेना दोस्तों ये बहुत ही गलत है। राज्यकर्मियों की जेब पर भारी सरकारी फरमान, लगातार ये आप देख सकते हो कि शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। बेरोज जो शिक्षक संघ है और शिक्षक दिन रात लगे हुए हैं, सर्वे डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, डोर टू डोर होम आइसोलेशन क्वारंटीन इतनी ड्यूटी कर रहे हैं, और जो भी कोरोना महामारी है उसमें शिक्षक पूरा सहयोग दे रहे हैं, उसके बाद भी जब उनकी तनख्वाह काटी जाती है और उनको बिना विश्वास में लिए गए, तो पिछले मार्च माह में काट ली गई अप्रैल माह में, ये दोस्तों बहुत ही गलत है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो भी हमारे शिक्षक भाई हैं वो बिल्कुल नीचे कमेंट लिखे और ये सरकार तक खबर पहुंचाए कि बहुत ही भारी रोष है शिक्षकों में और
शिक्षकों का भी ध्यान रखा जाए। और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शिक्षा जगत की व अन्य खबरें समय समय पर इस पर दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।